नहीं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आसिफ को मुबारकबाद देता हूँ कि एक हमारे कुरला के अंदर, हमारे कुरला का बच्चा जिन्होंने एक कुरला के फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया, स्टूडेंट्स के फिटनेस के, यहाँ पे लोग बच्चे बूढ़े और सभी लोग आके अपनी फिटनेस के लिए पूरा ध्यान देते हुए आएंगे। मैं ख़ासतौर पर पूरे कुरला और मुंबई के लोगों से कहूँगा कि एक अद्भुत तरीके से हमारे घर के बच्चे ने जिम का आज खासतौर पर मुझे उद्घाटन के लिए यहाँ पे बुलाया, तो ये एक अद्भुत तरीके से, इसमें कई ऐसी मशीनें हैं जिसको और दूसरी जिम में भी किसी ने देखा नहीं होगा, उस तरीके से एक हाईटेक तरीके से बनाने का काम किया। कुरला के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ थी, एक अच्छे तरीके से अच्छे रेट के अंदर लोगों को फिटनेस देने का काम उन्होंने जो शुरुआत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और मैं पूरी, मेरे पूरी पार्टी की ओर से कुरला के जितने खाटिक समाज के लोग, कुरला के जितने मुस्लिम बिरादरी के मेरे दोस्त अहबाब, सबको कहूँगा कि आप बिल्कुल आइए, और मैं उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूँ। एक फिटनेस जिम का नाम भी फिटनेस, हम रहेंगे भी फिटनेस, और हम जैसे नेताओं के लिए भी, मतलब उन्होंने फिटनेस का काम किया। मेरा घर बाजू में ही है, 2 मिनट की दूरी पर, कभी कभार यहाँ पर भी आके बहुत सारी चीज़ इनसे हम ट्रेनिंग लेके जाएंगे, ताकि हम हमारे घर में भी बैठ के, मतलब खुल के तो आ नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बैठ के वो सारी चीज़ ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। और फिटनेस रहना ज़रूरी है, रमज़ान का महीना भी आ रहा है, रमज़ान के अंदर लोग बहुत, एक पूरा सिस्टम है कि साल में एक बार रोज़े रखते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो वही मौके के ऊपर इन्होंने आज का दिन एक अहम दिन चुन के एक जिम का उद्घाटन इन्होंने मेरे हाथों किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार के ओर से हाजी अराफात शेख इनसे वादा करता है, जो कोई भी ऐसी इनके ऊपर बातें आएगी, अगर कोई मदद लगेगी, बिल्कुल हम पूरी सरकार की ओर से इनको मदद करेंगे। स्टूडेंट्स को भी, सब कॉलेज के अंदर जितने भी जो ऐसे जो कुछ गरीब बच्चे हैं जो फिटनेस रखना चाहते हैं और उनके पास पैसे भरने के लिए नहीं हो, तो हम हमारी ट्रस्ट की तरफ से भी उनको मदद करने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने करता हूँ, ताकि
लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ये देश का भविष्य अच्छा होगा। तो खास तौर पर देश के प्राइम मिनिस्टर चाहते, देश के स्टेट के मुख्यमंत्री जी चाहते, उप मुख्यमंत्री चाहते और हम सब चाहते कि हमारा देश का युवा फिट रहे। जब फिट रहेगा तो और अच्छे काम कर पाएगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने का आपने जो काम किया, मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो और इसी तरीके से लोगों की खल के खिदमत करो। ये अपने आप में खल के खिदमत ही है। ये खिदमत करने का जो काम किया, जो बीड़ा उतारो, आज के दिन के ऊपर उन्होंने चुना है। एक रमज़ान शुरुआत होने जा रहा है और उसके मौके पर इन्होंने जिम के एक अच्छे मुहूर्त लेके, अच्छा दिन लेके उन्होंने शुरुआत की, इसलिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासतौर पर कुरला के सभी मेरे दोस्तों को, कुरला के सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए और इस जिम का पूरा पूरा लाभ लीजिए। एक अच्छी चीज़ है और अच्छी मशीनें हैं, वो मशीनें देखिए और जिस तरीके से उस मशीन के अंदर ज़्यादा कि उन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा कि ऐसी कोई मशीनें नहीं लाई जिससे बॉडी पे इफेक्ट आए। मतलब कई जगह पे देखते हैं जो कंप्यूटराइज मशीन होती है, पता नहीं होता है और वो मशीन के जरिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर तकलीफ दे होती थी, ऐसा भी कुछ नहीं। और स्पेशल ट्रेनर है, स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा हर चीज़ का, खाने पीने का उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से उनको खाना खाना चाहिए। उसकी डॉक्टर्स की टीम रहेगी कि वो सारी चीज़ों के ऊपर, फिटनेस के डॉक्टर्स हो गए तो वो सारे चीज़ों को उन्होंने बारीक तरीके से ध्यान दिया। इसलिए मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब कभी मेरी ज़रूरत लगी मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, आप आवाज़ दिए। आपका भाई बोलकर, एक लीडर बोलकर नहीं, एक आपका भाई बोलकर आपके साथ हमेशा तैयार रहूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़ और बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी, एक्चुअली मैंने जो मशीन्स लाया है वो वन ऑफ द बेस्ट मशीन लाया है। लाइक एक क्वालिटी, एक मसल्स की क्वालिटी, प्रॉपर मसल्स जो वर्क होता है। एक्चुअली जो नॉर्मल जो मशीन्स होती है वो आप मारते हो तो मसल्स वर्क नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो हम जो मसल्स मारते हैं प्रॉपर, तो मसल्स जो मसल्स माइंड कनेक्शन जो होता है, अगर हम मारे बाइसेप्स तो बाइसेप्स का पूरा रेंज खुल के मसल्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वो मशीन्स लाया वैसी। और अगर सबसे पहली बेसिक हमारा BMI चेकअप होता है, जो हम बेसिक अंदर का ऑर्गन चेक नहीं कर पाते, तो वो मशीन भी ला के चेक की हम लोग ने, वो ला रहे। और एक आदमी का हम लोग पूरा चेकअप करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोसीजर चालू करेंगे। लाइक अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या ऑर्गन्स में, लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, वो चेक करने के बाद, BMI चेक करने के बाद फिर हम उसका प्रोसेस चालू करेंगे। हम वैसा ट्रेनर भी रखे हैं, सब सर्टिफाइड ट्रेनर है और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है सब। अभी जी 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 अलग अलग मशीन एक्चुअली अभी तो ओवरऑल इनको है ना, सबसे पहले डाइटिशियन, इनका न्यूट्रिशन सबसे मेन पॉइंट रहता है, न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा हम लोग को पॉइंट देखना है। उसके बाद फिर हमारा BMI निकलेगा, फिर न्यूट्रिशन होगा, फिर उनके ऊपर फिर हम लोग प्रोसीजर देखेंगे। मसल्स तो ओवरऑल पूरी बॉडी हमको पूरा देखना पड़ता है। अब ये वर्कआउट तो नहीं देख सकते, हमको पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है। तो BMI निकालने के बाद ही फिर न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के ऊपर फिर काम करते हैं।